हेलो पीपल अ वेरी वम वेलकम टू कंसाइज क्लासेस सो एम अगेन बैक विद डेली वकैब सीरीज़ और आज हम क्लास थर्टीन करेंगे ऑन द रिस्पेक्टिव बुक दैट इज़ वर्ड पार मेड इजी बाय नॉर्मल लूस और मैं फिर वही कहूँगी कि जो भी बच्चा इस सेशन को फर्स्ट टाइम देख रहा है पहले वो वो सेशन देखें जो ऑलरेडी अपलोडेड है बिकॉज ये जो बुक है वो सीरीज़ में फॉलो हो रही है एंड देन इट विल हेल्प यू टू इंक्रीज ये वकैबरी इन अ ग्रेजुअल वे तो आप पहले अपलोडेड सेशन ज़रूर देंगे उसके बाद आप ये वाला सेशन देखें सो so, बच्चों तो फर्स्ट वर्ड इज़ एंटोमोलॉजी एंटोमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स मैंने ये आपको लास्ट टाइम भी बताया था ठीक है आज हम इसमें पढ़ेंगे कि रूट वर्ड क्या यूज़ हुए हैं एन का मतलब होता है बच्चों एन और टोम का मतलब होता है टू कट और लोगोज आपको पता है कि साइंस ठीक है अब आप ये समझो कि एंटोमोलॉजी नाम क्यों पड़ा आपने नोटिस करा होगा जो इंसेक्ट्स होते हैं इनकी जो बॉडी है बच्चों वो सेगमेंट में होती है कि सर और फिर एबडोमन मतलब आप एक लाइन सी अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनके जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है जैसे आप आंट ले लो जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है आप नोटिस करोगे कि वो थोड़ा डिवाइड होता है ना कि उनका एबडोमन होता है हेड होता है फिर थॉरिक्स होता है इस तरह से उनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है आप इनको जोड़ देते हो तो ये एक इंसेक्ट बन जाता है ठीक है तो अगर और अगर आप इनको काट देते हो तो इनका ये पार्ट अलग अलग हो जाता है तो इसी बेसिस पर ये जो स्टडी है इसका नाम पड़ा एंटमोलॉजी ठीक है तभी हम इसको कहते हैं एंटोमोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स ये थोड़ी सी स्टोरी है इसके पीछे जिसके बेसिस पर ये नाम पड़ा है उससे ज़्यादा कुछ नहीं है आपको बस इतना रिमेंबर करना है कि एंटोमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स और जो प्रैक्टिशनर है बच्चों उसे हम कहते हैं एंटोमोलॉजिस्ट वो मैं मैंशन नहीं कर पाई हूँ बट आप नोट डाउन कर लेना लास्ट सेशन में हमने उसकी बात भी करी थी एंटोमोलॉजिस्ट ठीक है ना नेक्स्ट है बच्चों टॉन्सलेक्टोमी ट्रांसिलेक्टोमी क्या होता है एक सर्जिकल ऑपरेशन होता है टॉन्सल्स को रिमूव करने के लिए अब इसको हम टॉन्सिलेक्टोमी ही क्यों कहते हैं देखो एक यानी कि ई के जिसे हमने ई सी लिखा है इसमें ठीक है ना उसका मतलब होता है आउट और टोम का मतलब होता है टू कट यानी कि टू कट आउट तो टॉन्सिलेक्टोमी का मतलब हो गया टू कट आउट टॉन्सल्स ऐसे ही है बच्चों अपेंडिक्टोमी अपेंडिक्टोमी का मतलब होता है टू कट आउट दी अपेंडिक्स नेक्स्ट है बच्चों इसेंट्रिक इसेंट्रिक का मतलब होता है स्ट्रेंज अनयूजल बहुत ज़्यादा ऑड ठीक है ना तो इसका मतलब इसेंट्रिक ही क्यों पड़ा इसका जो नाम है वो इसेंट्रिक ही क्यों पड़ा वो इसलिए पड़ा क्योंकि आप फिर इसके रूट वर्ड पे ध्यान दो कि ई मतलब मतलब के मतलब आउट और केंट्रोन मतलब सेंटर यानी कि आप ऐसे समझो कि कोई चीज़ जब सेंटर से आउट हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा अनयूजल हो जाती है बहुत ज़्यादा ऑड हो जाती है ठीक है ना तो उसके लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो है इसेंट्रिक और जो नाउन है बच्चों उसे हम कहते हैं इसेंट्रिसिटी ठीक है टोम का मतलब है बुक स्पेशली लार्ज और हैवी कोई भी बुक जो बहुत ज़्यादा मोटी हैवी है heavy, उसके लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो है टोम tom टोम एक बुक ही होती है विच इज़ लार्ज एंड हैवी नेक्स्ट है बच्चों डाकॉटोमी डाइकोटो का मतलब होता है स्टेट ऑफ बींग्रेड इन टू पार्ट्स जब आप किसी चीज को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हो तो उसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं दैट इज डाइकॉटोमी डाइका का मतलब इन टू और टोम का मतलब टू कट यानी कि टू कट इन टू टू पार्ट्स ठीक है ना वर्ब हो जाएगी डाइकॉटोमाइज और एडजेक्टिव हो जाएगा डाइकॉटोमस ओ यू एस ओ यू एस क्या है ये एक एडजेक्टिव सफिक्स है ठीक है ना नेक्स्ट है बच्चों एपिटमी अच्छा आपने एक मीनिंग पढ़ा होगा एपिटमी का अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग ठीक है लेकिन एपिटमी का एक मतलब और होता है समरी जब आप किसी लंबी चीज़ को छोटा करके प्रेजेंट करते हो अ ब्रीफ़ एक्सप्लेनेशन ऑफ समथिंग ठीक है अब आप ये समझो कि इसका सेकेंड मीनिंग अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग क्यों पढ़ा फॉर एग्जाम्पल शी इज द एपिटमी ऑफ काइंडनेस अब हम कह रहे हैं कि वो काइंडनेस का परफेक्ट एग्जाम्पल है कहने का मतलब है उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं लेकिन जो काइंडनेस है अगर हम इस काइंडनेस को कट कर दें तो ये जो काइंडनेस की क्वालिटी है वो किसी और में इस तरह से नहीं दिखेगी तो शी इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ काइंडनेस शी इज़ द एपिटेमी ऑफ काइंडनेस तो इसलिए बच्चों एपिटमी का दूसरा मतलब पड़ा अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग और वर्ब हो जाएगा एपिटेमाइज़ ओके नेक्स्ट है बच्चों फिलोलॉजी मैंने लास्ट टू लास्ट सेशन में भी आपको दो चीज़ें पढ़ाई थी फिलोलॉजी और सीमेंटिक्स फिलोलॉजी क्या होता है कि ये भी स्टडी ऑफ लैंग्वेज होती है और सीमेंटिक्स भी स्टडी ऑफ लैंग्वेज होती है फिलोलॉजी में क्या होता है कि वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ता है कि पर्टिकुलर लैंग्वेज कहाँ से आई इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं लेकिन जो सिमेंटिक्स है सिमेंटिक्स जो सिमेंटिसिस्ट है जो सिमेंटिक्स को स्टडी करता है वो थिंकिंग और वर्ड्स दोनों पे काम करता है कहने का मतलब है कि अगर कोई वर्ड उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में यूज़ हुआ है तो वो उसका मीनिंग समझेगा वो ये भी समझेगा कि लोग उस समय क्या सोच रहे होंगे जिस बेसिस पे ये वर्ड निकल कर आया तो सिमेंटिक में क्या होता है कि जो सेमेंटिस होता है वो थिंकिंग और लैंग्वेज को जोड़ कर चलता है ठीक है ना अब आप ये समझो कि फिलोलॉजी स्टडी ऑफ लैंग्वेज ठीक है फिलीन का मतलब होता है बच्चों लव और लोगोस का मतलब साइंस और हम इसे स्पीच या फिर वर्ड भी कह है सकते हैं या फिर एटमोलॉजिकली हो गया लव फॉर वर्ड्स इज फिलॉलॉजी एटामोलॉजिकली अगर हम बोलें कि सीधे अगर हम मीनिंग से डिराइव करें तो लव ऑफ वर्ड्स हो गया आपका फ़िलॉलजी वैसे फिलोलॉजी क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज कि कैसे वो पर्टिकुलर लैंग्वेज डेवलप हुई है ठीक है और लिंग्विस्टिक्स क्या होता है बच्चों लिंग्विस्टिक्स भी वही होता है साइंस ऑफ लैंग्वेज जिसमें हम लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं तो ये सारे वर्ड्स इंटर रिलेटेड हैं तो फिलोलॉजी और लिंग्विस्टिक आप एक ही मानो बेसिकली कहा जाता है कि ये जो फिलोलॉजी है इट इज़ अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स ठीक है ना लेकिन आप इन्हें एक ही मान के चलोगे स्टडी ऑफ लैंग्वेज ठीक है हम फिलोलॉजी में भी लैंग्वेज की स्टडी करते हैं हम लिंग्विस्टिक्स में भी स्टडी करते हैं लैंग्वेज की और जो सिमेंटिक्स है उसमें भी हम लैंग्वेज की स्टडी करते हैं लेकिन हम उसमें वर्ड्स के मीनिंग पर ज़्यादा ध्यान देते हैं ठीक है ना थोड़ा डेप्थ में हम उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को स्टडी करते हैं ओके okay? नेक्स्ट है बच्चों फिलान्थ्रपी फिलानथ्रपी लव ऑफ मैनकाइंड कि जब कोई इंसानियत को सबसे ऊपर रखता है ठीक है फिलीन का मतलब लव एंड एंथ्रोपोस का मतलब मैनकाइंड और अगर इसका सिनोनिम अगर आप समझो तो क्या हो जाएगा मिजेंथ्रोपी हमने पढ़ा था ना मिजेंथ्रोपी क्या होता है हिट्रड ऑफ़ मैनकाइंड जो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता है ठीक है ना और वन हु डिवोर्ट्स हिमसेल्फ टू फिलेंथ्रपी इज़ अ फिलेंथ्रपिस्ट जो फिलान्थ्रपी में खुद को डिवोट कर देता है जो सारे काम लोगों की भलाई के लिए कर रहा है उसे हम कहते हैं फिलान्थ्रपिस्ट। नेक्स्ट है बच्चों फिलेंडर फिलेंडर एक वर्ब है इसका मतलब होता है टू प्ले अराउंड जिसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है जैसे प्रोमिस Uh, आप एक वर्ड ये भी होता है इसका मतलब होता है हैविंग मोर देन वन सेक्सुअल अफेयर ठीक है ना तो उसको हम कहते हैं फिलैंडर फिलैंडर एक वर्ब है और जो ये सब कार्य कर रहा है जो ये सारे काम करता है उसके लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ फिलैंड ओके वन हु डज़ द थिंग्स कैटलॉग्ड अबव कैटलॉग्ड अबव का मतलब है जो ऊपर मैंने बातें लिस्ट करी हैं ठीक है ना उसको हम कहेंगे फिलैंड ओके नेक्स्ट है बच्चों फिलॉसफी फिलॉसफी अगर हम इसको एटमोलॉजिकली समझे फ़िलीन का मतलब लव और सोफ़ोस का मतलब वाइज यानी कि लव ऑफ विस्टम ठीक है जहाँ हम विजडम के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ हम समझदारी के बारे में बात कर रहे हैं प्रूडेंस के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है उसे हम कहते हैं फ़िलासफ़ी बेसिकली फ़िलासफी बच्चों है क्या इट इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड द यूनिवर्स एंड सोसाइटी वो व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड और सोसाइटी या यूनिवर्स के बारे में सोचता है तो ये सोचता है कि आदमी जब मर जाता है तो क्या होता होगा मतलब इस टाइप के जो बेसिक क्वेश्चन उसके दिमाग में आते हैं तो उसे हम कहेंगे फिलासफर ठीक है और जो ये स्टडी करता है उसे हम कहते हैं फिलोसफी ओके बस आप इतना समझो कि फिलॉसफी का मतलब होता है लव ऑफ मैन काइंड ठीक है नेक्स्ट है बच्चों फ़िला हार्मनिक फिला हार्मोनिक आप एटेमोलॉजिकली आप इसका मीनिंग है कि लव ऑफ म्यूजिक और हार्मनी फिलीन का मतलब टू लव और हारमोनिया का मतलब होता है हारमनी ओके नेक्स्ट है बच्चों बिब्लियोफाइल पढ़ा है आपने ये ठीक है वन हु लव्स बुक ठीक है उसके लिए हम यूज़ करते हैं बिब्लियोफाइल बिब्लियन का मतलब होता है बुक ऑफ फिलीन का मतलब तो लव ही हो गया टू लव बुक्स उसे हम कहते हैं बिब्लियो फाइल नेक्स्ट बच्चों एंग्लो फाइल हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़ में भी पढ़ा था कि वन हु इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ इंग्लिश पीपल जो इंग्लैंड में रहने वाले लोग हैं जो ब्रिटिश पीपल हैं उन्हें वो बहुत पसंद करता है ठीक है नेक्स्ट बच्चों एंटी सोशल और है एक ए सोशल डिफरेंस है दोनों में अब आप ऐसे कि एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट ठीक है तो जो सोशलाइजेशन के अगेंस्ट है जो मतलब इतना ज़्यादा सोशल नहीं होना चाहता है वन हु डिसलाइक्स पीपल जिसे लोग पसंद नहीं हैं ठीक है हमने एक वर्ड पढ़ा था साइकोपैथ तो साइकोपैथ और एंटी सोशल एक ही है क्योंकि साइकोपैथ और एंटी सोशल ये दोनों ऐसे व्यक्ति हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होते हैं ठीक है एंटी सोशल वन हु इज़ अगेंस्ट ह्यूमैनिटी उसको भी हम एंटी सोशल कह सकते हैं नेक्स्ट है बच्चों असोशियल जो इंटरेस्टेड नहीं है लोगों से घुलने मिलने में जो दूसरों में इतना इन्वॉल्व नहीं होता है उसे हम असोशियल कहते हैं सो दैट्स ऑल इन टुडे सेशन पीपल होप आपको ये सेशन भी पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें थैंक यू सो मच